हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोग जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से नॉमनक्लेचर के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर के दो रूल बताए थे। अब आगे इसमें तीसरा जो रूल है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के नॉमनक्लेचर का, वो है मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के लिए। मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का अर्थ है कि जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट अगर लगे हुए हैं तो हम उनको मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। इस प्रकार के यौगिकों का जब हम नामकरण करते हैं या नॉमनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले कार्बनिक समूह, फिर धातु, बीच में स्पेस देता है, अंत में अकार्बनिक समूह का नाम लिखा जाता है। जिस तरह से ये एक एग्जाम्पल है, ट्राई मैथिल लेड क्लोराइड। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो ट्राई मैथिल लेड स्पेस देकर के और क्लोराइड को लिखा जाता है। दूसरा एग्जांपल है डाई मैथिल टिन डाइब्रोमाइड। तो यहाँ पर भी हम इसका जब नाम लिखेंगे तो डाई मैथिल टिन स्पेस देकर के और डाइब्रोमाइड को लिखा जाता है। इस प्रकार से मिक्स्ड ऑर्गेनो कंपाउंड जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके नॉमनक्लेचर को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनिक समूह धातु स्पेस देकर के और इनऑर्गेनिक पार्ट को प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फोर्थ रूल के बारे में नामकरण करते हैं तो कुछ त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट जो मेटल्स हैं जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन और टेट्रावेलेंट सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके नाम वैकल्पिक विधि से हम इनको फॉस्फीन, आर्सेन, स्टिबिन, बिस्मथिन, सिलेन, जर्मेन, स्टेनेन और प्लम्बेन के डेरिवेटिव मान करके और इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ट्राई एथिल आर्सिन, टेट्रामेथिल साइलेन, इसी तरह से एथिल मैथिल डाइफेनिल जर्मेन, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर एथिल मैथिल डाइफेनिल जर्मेन कहा जाता है। इसका अगला जो नियम है वो ये है कि यदि कार्बनिक भाग में ऑर्गेनिक जो पार्ट उसमें लगा हुआ है उसमें कोई डेरिवेटिव या प्रतिस्थापी समूह लगे हों तो उनके नाम लिखते समय उनकी स्थिति भी दर्शाई जाती है, पोजीशन शो करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल है C6H2Cl3 मैग्नीशियम, इसको हम लिखेंगे बिस 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल, यानी कि जो क्लोरीन यहाँ पर लगे हुए हैं वो फेनिल समूह के कौन कौन सी पोजिशंस पर लगे हुए हैं ये हमें बताना होता है। 2,4,6 ट्राई क्लोरोफेनिल और लास्ट में हम लिख देते हैं मैग्नीशियम। इसी तरह से ये एग्जांपल है डाई 4 क्लोरोफेनिल मर्करी। तो इस तरह से इनके जब हम नाम लिखेंगे तो ऑर्गेनिक पार्ट में अगर कोई डेरिवेटिव लगा है तो उसको भी हम उसकी भी पोजीशन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है ऑर्गेनोमेटेलिक रेनायंस या एनायंस के लिए। इनका नाम लिखने के लिए आयन में उपस्थित धातु का जो लैटिन नाम है उसके अंत में ATE8 जोड़ करके उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को लिखा जाता है। जैसे जिंक ट्राईएथिल रेनायन है तो हम इसको लिखेंगे ट्राईएथिल जिंक का जिंकेट, सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था है और लास्ट में आयन लिखा जाता है। अगर कोई कार्बन धात्विक धनायन हो तो हम उसमें 8 नहीं लगाते हैं, केवल उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ट्राई साइक्लोहेक्सा टिन 4 आयन, एक नया नियम जो नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि अगर कार्बनिक समूह का एक ही कार्बन परमाणु धातु परमाणु से जुड़ा हो तो उन्हें हम उनको मोनोहेप्टोयोडिक कहते हैं, मोनोहेप्टोयोडिक। और इस प्रकार के यौगिकों को ईटा 1 से प्रकट करते हैं। और यदि कार्बनिक समूह का 8 से अधिक कार्बन परमाणु मेटल से जुड़े हों तो उन्हें हम पॉलीहेप्टो से प्रदर्शित करते हैं और जुड़ने वाले कार्बन की संख्या को ईटा के ऊपर प्रदर्शित करते हैं, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, इस तरह से। जैसे ये एक एग्जाम्पल इसमें अपन ने लिया है, यहाँ पर एथिलीन समूह के दो जो कार्बन हैं ये दोनों प्लेटिनम से जुड़े हैं तो हम इसमें लिखेंगे ईटा 2 एथीन ट्राईक्लोरो प्लेटिनेट
अब प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकंड वो लिख करते हैं, और ये ऋण आयन है तो हम इसके आगे आयन भी लिखते हैं। इस तरह से इस कंपाउंड का नाम हो गया ईटा टू। ईटा टू इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि ऑर्गेनिक जो पार्ट है इसमें उसके दो कार्बन धातु परमाणु से जुड़े हुए हैं, एथीन, उसके बाद में ट्राईक्लोरो, रेनायन है तो प्लेटिनम के आगे एट लगाता है प्लेटिनेट, इसकी आक्सीकरण अवस्था, और लास्ट में आयन को लिखा जाता है। तो इस तरह से जो ऑर्गेनो मेटेरियल कंपाउंड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनका हम नॉमनक्लेचर कर सकते हैं, उनको किस तरह से लिखा जाता है ये अपन ने इस आज की वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे आपको ऑर्गेनो मेटेरियल कंपाउंड्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। धन्यवाद।